शुक्रवार को कथा का अंतिम समारोह 4 बजे से शाम 7 बजे तक राष्ट्रीय संत स्वामी चिन्मयानंद बापू अपनी श्री मुख से श्री कृष्ण कथा की अमृत वर्षा कर रहे हैं। कथा के दूसरे दिन उन्होंने कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाकर सबको भाव विभोर कर दिया। कन्हैया झूले पलना नेक होले झोटा दीजो भजन पर सब झूम उठे। इस दौरान दुष्टों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण से वैश्विक आपदा कोरोना के वध की प्रार्थना की गई। बलदेव धर्मशाला में ही सुसज्जित यज्ञशाला में देशभर से आए 21 यज्ञ आचार्यों द्वारा 10 महाविद्यालयों में से एक बंगला मुखी पिताम्बरा माता की कृपा पाने को श्री विद्या यज्ञ का दिव्य अनुष्ठान और राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू के जन्मदिन का आयोजन श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। श्रोता बापू के श्री मुख से कथा का रसपान कर रहे हैं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के अध्यक्ष भगवान दास अग्रवाल ने बताया कि दिव्य आयोजन में आज रुक्मणि विवाह कार्यक्रम किया जा रहा है और बापू के जन्म दिवस मनाने के साथ कथा का समापन हो जाएगा। कोरोना की नियमावली को ध्यान में रखते हुए हर भक्त को मास्क देने के साथ साथ सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए इतना हर्ष का दिन है जिसकी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। आज के दिन हम लोगों ने बल्कि 252 देशों के जितने भी बापूजी के भक्त हैं सबने अपने अपने घर में बापूजी के जन्मदिन मनाया है। आज बापूजी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। यहाँ पर इस समय हॉल में, हॉल के बाहर, छतों पे पब्लिक इसी डटी है। कोरोना के उसको देखते हुए जितनी भी जनता है, बापूजी के जितने भक्त हैं, सब सोशल डिस्टेंस से दूर दूर बैठे हैं। एक एक फुट की दूरी पर सब अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। आज रुक्मणी विवाह, अभी रुक्मणी विवाह चल रहा है। शाम को बापूजी का उत्सव और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये आगरा की पावन धरा पर ये त्रिवेणी की गंगा बह रही है, जिसमें 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जिसका कि आज समापन होगा। आज 4 दिसंबर को प्रातः से ही सुबह यज्ञ से दिव्य यज्ञ जो हो रहा है, श्री विद्या देवी यज्ञ, जिसमें माँ सरस्वती जी, माँ दुर्गा शक्ति विराजमान और जो है माँ गौरी जी का जो है यज्ञ यहाँ हो रहा है। और ये यज्ञ जो है वो माँ दतिया की जो है माँ पीताम्बरा पीठ की बगला मुखी जो है जो माँ का जो है जो यहाँ दिव्य यज्ञ हो रहा है। और सुबह से ही यहाँ पर धार्मिक नेक काम और वंचितों की सेवा के जो अनोखे अनूठे काम हैं वो यहाँ हो रहे हैं। आज यहाँ गुरुदेव के जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है, दीपोत्सव के साथ मनाया जा रहा है, पुष्पोत्सव के साथ मनाया जा रहा है। साथ ही गरीब माताओं को साड़ियाँ भी प्रतीकात्मक वितरित की जा रही हैं। कुछ बच्चों को स्कूल के बैग भी प्रतीकात्मक दिए जा रहे हैं, कुछ को कंबल भी प्रतीकात्मक दिए जा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव का जन्मोत्सव है और ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, तो जितना हो सके उतना गरीबों की सेवा जितनी कर सकते हो उतनी ही कुछ ना कुछ इसमें गंगा में डुबकी लगाने का काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ऐसी सेवा करता रहेगा थोड़ी थोड़ी, तो वो कम से कम इस कोरोना काल की महामारी से, इस आपदा से कहीं ना कहीं मुक्त रहेगा। और उसी मुक्ति के लिए ये धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ पूजा पाठ जो रखा गया है उसके पीछे यही उद्देश्य है कि घर घर की जो परिस्थितियां हैं वो बदलें और घर घर में एक रोशनी, एक उज्ज्वल, एक ऐसा उजाला हो और इस कोरोना काल का जो संकट है वो पूरी तरह से मुक्त हो जाए और व्यक्ति मानस जो है फिर पुनः अपनी उसी दुनिया में आ जाए जो एक खुशहाल दुनिया थी, जहाँ भय मुक्त थी, जहाँ डिप्रेशन नहीं था। आज उससे मुक्ति पाने के लिए ये सदगुरुदेव राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू, जो कि विश्व विख्यात गुरुदेव हैं, इस धरती पर, इस धरा पर, वृक्ष की धरती पर उनके चरण पड़ गए। और इस कोरोना काल में उन्होंने यही कहा कि ये सारे आयोजन जो होंगे वो सरकार की कोविड लाइन में होंगे, सरकार की कोविड की ये लाइन है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार किए जाएंगे, कम संख्या में हों, लेकिन हर घर घर में इसका संदेश और एक मैसेज पहुँचे कि लोग, तो आज यहाँ समापन भी हो रहा है और लोगों को एक संदेश पहुँच रहा है कि हर व्यक्ति अपनी आय का थोड़ा सा अंश धार्मिक अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ में लगाए, जिससे कि ये आपदा संकट हमारे घरों में प्रवेश ना करे, ये सबसे बड़ी पूजा है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट का ही आग्रह के नेतृत्वाधान में 3 दिवसीय श्री राधा कृष्ण कथा का आयोजन रखा गया। बलदेव धर्मशाला, बलकेश्वर महादेव मंदिर, जो हमारा एक तीर्थ स्थान है, बलदेव धर्मशाला भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ है।
जमुना जी का घाट है यहाँ पर, और श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से इस कथा का श्रवण किया सभी लोगों ने, जो सभी धन हो गए, जो कोरोना के चलते हुए डिप्रेशन में आए हुए थे उन लोगों को बहुत राहत मिली है, जो देवी माँ का अनुष्ठान हुआ है जो बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही लाभदायक है, जिसकी जो धुएं के वातावरण में जो हमारा उनका जो हवन का धुआं, यज्ञ का धुआं जिसे कहते हैं महायज्ञ, वो यज्ञ हुआ है, उसका धुआं सभी के एक श्वास द्वारा जो एक वातावरण में जो फैला है उससे यहाँ आगरा वासियों को अद्भुत और अलग ही एक महामारी से निजात मिलेगी, वह उससे रोग होंगे वो ठीक होंगे।